हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक फंक्शन है एवरी मैनेजमेंट का, और इस फंक्शन की हम इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स जो है प्लानिंग की लिमिटेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लिमिटेशंस तो आसानी से समझ में आ जाती हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। मेनली स्टूडेंट्स कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, दो लिमिटेशंस में। एक लिमिटेशन है प्लानिंग की कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, और एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरमेंट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम, ये दो लिमिटेशंस अलग अलग थोड़ी हैं, ये तो दोनों ही एक जैसी हैं। लेकिन एक्चुअली ये दोनों लिमिटेशंस अलग अलग हैं, और केस स्टडीज भी आती हैं ऐसी जिसमें आपको लाइंस कोट करके ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाईलाइट की गई है। तो वहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर लिमिटेशन की बात हो रही है, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कीवर्ड से, एग्जाम्पल से और केस स्टडीज से ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन से लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की जो है वो बात हो रही है। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स क्लैरिफाई दीज टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बच्चों, दोनों लिमिटेशंस मैंने यहां पर लिख दी हैं, और दोनों लिमिटेशंस के मैंने कीवर्ड्स और की लाइंस लिख दी हैं। इनका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन कीवर्ड्स और की लाइंस के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, और फिर इसके बाद में केस स्टडी भी बताऊंगी, जिससे आपको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरमेंट की बात हो रही है या प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस की बात हो रही है। देखिए, एनवायरमेंट जो है ना, एनवायरमेंट की सारी डायमेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनवायरमेंट में बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तो इन डायमेंशंस में चेंजेस होते रहते हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन अगर वो चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं तो उन फास्ट चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड तो होती ही होती है, लेकिन फिर भी प्लानर्स जो है वो हर चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और खास तौर से जब वो चेंजेस बहुत फास्ट हो रही हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लानर्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड दे हैव नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल फास्ट चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। तो फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी अजम्पशंस करते हैं प्लानर्स, लेकिन एक तो वो हर चीज के बारे में अज्यूम नहीं कर पाते, और अगर अज्यूम कर भी पाते हैं तो उनकी अजम्पशंस जो है वो बेकार हो जाती हैं जब एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत फास्ट पेस से होती हैं। तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी किसी डायमेंशन की बात होगी और वो डायमेंशन में बहुत फास्ट चेंजेस होंगे और उतनी फास्ट स्पीड से प्लानर्स अपने प्लान्स को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरमेंट। दूसरी लिमिटेशन है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। वहां पर मैंने क्या क्या की लाइंस लिखी हैं, इट गिव्स फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्लानर्स हैव द टेंडेंसी टू रिलाय ऑन द प्रीवियसली टेस्टेड प्लान्स, दिस कॉम्प्लेसेंसी रिजल्ट्स इन द फेलियर रादर देन सक्सेस, एंड प्लान्स नीड टू बी ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड एज पर द सिचुएशन। इन सारे कीवर्ड से क्या पता लग रहा है कि ज्यादातर क्या होता है कि प्लान्स बनाए जाते हैं और उसमें इतना खर्चा और टाइम इन्वॉल्व किया जाता है कि नॉर्मली प्लान्स को चेंज नहीं किया जाता। लेकिन यही टेंडेंसी प्लानर्स की गलत होती है। बहुत सारे प्लानर्स ये सोचते हैं कि जो प्लान पिछले 5 साल या 10 साल से काम कर रहा है वो आगे भी काम करता रहेगा और उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, लेकिन यही टेंडेंसी गलत है। इफ द प्लान हैज वर्कड अर्लियर, देयर इज नो गारंटी दैट इट इज गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर ऑल्सो। सिचुएशंस के हिसाब से प्लान्स को ड्रॉ करना पड़ता है और इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन प्लानर्स अपने प्लान्स को रिवाइज नहीं करते, रिव्यू नहीं करते हैं, और इसी तरह के उनके संतोष को कॉम्प्लेसेंसी कहा जाता है, अननेसेसरी सेटिस्फेक्शन, अननेसेसरी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने के बजाय फेल हो जाती है। तो अगर प्लानर्स की टेंडेंसी की वजह से कि वो प्लान्स बनाना नहीं चाहते, रिव्यू नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से प्लानिंग फेल हो जाए, तो आप कौन सी लिमिटेशन आइडेंटिफाई करेंगे, दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस।
अब जल्दी से मैं आपके साथ दो केस स्टडीज डिस्कस कर रही हूं जिसमें दोनों लिमिटेशंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अपने स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहली केस स्टडी, बावर साइकिल्स वाज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेसिंग साइकिल्स एंड हैड अ मोनोपोली इन द मार्केट। द बिजनेस वॉज डूइंग वेरी वेल एंड द कंपनी वॉज कंसिस्टेंटली मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज 10% इंक्रीज इन द सेल्स एवरी ईयर। Encouraged by the good track record, the managing director of the company kept an ambition target of 15% increase in the sales for the next year. The same year, the two competitors entered the market, and because of this, the company was not able to meet its target. Identify the limitation of planning. तो यहाँ पर क्या दे रखा है केस स्टडी में कि 10% का टारगेट कंपनी बहुत आसानी से अचीव कर पा रही थी, तो इसलिए उसने नेक्स्ट ईयर के लिए 15% का टारगेट रख लिया। लेकिन अचानक से उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में अचानक से चेंज हो गया, जिससे कंपनी जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तो यहां पर आप कौन सी लिमिटेशन हाईलाइट करेंगे? दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट, क्योंकि यहां पे कॉम्पिटिशन की वजह से प्लानिंग फेल हुई है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से प्लानिंग फेल हुई है। अब और क्लैरिटी के लिए एक और केस स्टडी आपके सामने डिस्कस कर रही हूं, लुक एट दैट केस स्टडी। Super Fine Rice Limited has the target share of 55% in the market. The company's policy is to sell only for cash. In 2015, the first time company's number one position in the industry has been threatened because other companies started selling rice on the credit also. But the managers of Super Fine Rice Limited continued to rely on its previously tried and tested successful plans, which did not work because the environment is not static. This leads to the decline in the sales of Super Fine Rice Limited. Above situation indicating two limitations of planning, which led to the decline in the sales. तो यहाँ पे दो लिमिटेशंस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट की भी बात हो रही है और डज नॉट गारंटी सक्सेस की भी बात हो रही है। एक लाइन दे रखी है कि एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है और कॉम्पिटिटर्स आ गए जिन्होंने क्रेडिट पे चावल बेचने शुरू कर दिए, तो इस पर्टिकुलर लाइन से पता लग रहा है दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। और दूसरी लाइन ये दे रखी है कि वो पहले कैश बेसिस पे बेचते थे, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के आने के बाद भी उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को नहीं बदला, वो कैश बेसिस पे ही बेचते रहे, अपने पुराने प्लान्स पे ही रिलाय करते रहे, इस वजह से प्लानिंग जो है वो उनकी फेल हो गई। तो इस पर्टिकुलर लाइन से पता लगेगा दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आई होप बच्चों के अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर प्लानिंग फेल हो बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप लिखेंगे डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट, और अगर प्लानिंग फेल हो बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द प्लानर्स टू रिलाय ऑन द प्रीवियसली टेस्टेड प्लान्स, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब आपके लिए स्क्रीन पर एक और केस स्टडी शेयर कर रही हूं, उस केस स्टडी में आप अपने आप पता लगाइए कि कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की बात हो रही है। इस केस स्टडी को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि इन दोनों लिमिटेशंस में से स्पेसिफिकली कौन सी लिमिटेशन इस पूरी केस स्टडी में हाईलाइट हो रही है। और आगे आप कभी भी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं करेंगे। और अगर आपके किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन्स हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है केस स्टडी और कीवर्ड्स के नाम पे, उस प्लेलिस्ट को वॉच करिए, उससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आसानी से क्लैरिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम विद अनदर कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड इट्स क्लैरिफिकेशन। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।